थैंक यू शुक्रिया मेहरबानी उच्चिया सुर का मालक पंजाबी मां बोली का श्रृंगार भाई संधु सर जी साढ़े भाई बलदेव जी जिन्हें मुझे बहुत सारा प्यार बहुत सारा मान मिले है। पैसा चीज ये कहो जी है एदो भुख नहीं जिन्ना कोले ज्यादा ओदा कोई दुख नहीं पैसे की सानू भुख नहीं जिन्ना कोले ज्यादा ओदा कोई दुख नहीं दुख है ता उन्ना दा जिन्ना दे कोई पुत नहीं लख लाड़ दा उन्ना पुत्ता दे जिन्ना दे मां प्यो नु कोई सुख नहीं इसी तरह मैं जादू समा ना लवां साडे वीआईपी गस PWU कार्ड नंबर गड्डी खड़ी है जेड़े वीर दी प्लीज साइड ते कर लेन सलाम दी नाल मैं पहला बेनती कीती है कि साडे रब लोग साडे उस्ताद लोग जिन्होंने सियासत दी स्टेज ते सभ्याचार दी स्टेज ते जिथे कोई कांफ्रेंस या मेला होया इस स्टेज नु सज्जे ढंग नाल खूब निभाया है तो मैं तुहाडे रूबरू करन जा रिहा है श्री देसराज शर्मा जी बहुत बहुत मेरे छोटे वीर कश्तियां डूब जाती हैं तूफान चले जाते हैं यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं साढ़े वो सत्कार वो शख्सियत तन तन एक सौ अठ बाबा मान दास जी बाबा मान दास जी असी दास हैं तो हाडे तुसी बड़ा बख्शे है मान साडू मैं तन तन एक सौ अठ बाबा ईश्वर गिर जी आसमानी चढ़ी हुई वेखी मैं गुड्डी क्योंकि इस खेत के लोग बहुत ज्यादा विद्वान ने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ने खेडा के खेत के बहुत सारा नाम है मैं जब आया बोर्ड पढ़ रहा सी ते लिखा कि इस पिंड दे विच तीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्हां दा इत्थे विशेष तौर ते सम्मान है मेरा तल्लुक रहे इन्हां खिलाड़ियों नाल मैं बहुत लंबा समा वक्ख वक्ख थावां ते जाके इन्हां दी कमेंट्री भी कीती है पर बड़ा माण होया इन्हां दा मैं नाम सुनाया करदा सीगा अज इन्हां नूं देखण दा भी माण प्राप्त होएगा जो थोड़ी जी हिस्ट्री जो मैनूं ब्रीफ सरदार सुखमंदर सिंह जी मिली सी इस पिंड दी शुशक साहब जीरा दिन चो आए ने बाबा मान दास जी इन्हों फरीदकोट के राजा एक बार मिलने के वास्ते आए सन उस वे राजा महाराजा जी सी लोग घोड़िया से जा रथा से आया करते थे बाबा जी ने मिलन तो ना करती सी जिमें तेरा तबला खड़कता उमें मेरा दिल खड़कता है गल तो उन्होंने दसनी ये तो तेन पता ही है तो तबला बजता रहता कभी दा दिन दिन का सो एक बार मैं इस पिंड की थोड़ी जी हिस्ट्री जो तेरा हुक्म हो तो मैं दस देव हाँ क्योंकि तेरे हुक्म में मेरा काम चलना नहीं सो हुक्म संगत का तो सब का मनना पैदा है हिस्ट्री मैं दस रहा है पिंड की जिस तरह कि मैं इस इतिहास पढ़िया किसी बहुत बार सज्जन तो पूछा उन्होंने तो पता लग्या सीगा कि राजा जी जो मिलन आए तो बाबा जी ने ना की फिर उन्होंने दसिया गया पिंड के मोहतबारा वालों उस वेले कि जे बाबा जी मिलना तो इस तरह पद यात्रा करते करते जाओ बाबा जी तो जरूर मिल गए मिले से उस वे विकास दुछ गल् हो सो उन्होंने आशीर्वाद अज भी साढ़े सिर के उपर है सो इस पिंड के जो मेरे बहुत सारे अध्यापक भैन भरा इतने पढ़ाते हैं उन्होंने मेरे नाल वास्ता भी है सो इस पिंड में इन्नी वो गुड़ की आशीर्वाद है सो
बहुत सारिया महनाज शिक्षा सा दरम्यान पहुंचिया ने। इस समय सरदार ममतार सिंह जी बराड़ मुख्य पार्लीमानी सकत्र पंजाब सरकार वह भी साढ़े दरम्यान तशरीफ फरमा रहे। सो मैं इन्हों का बहुत बहुत ही आभारी हाँ। हम सबका सरदार सुखचैन सिंह को मैं बेनती करा कि सारे महनाज शिक्षा जो साढ़े दरम्यान आई हैं उन्होंने अपने दो प्यार भरे बोलने के जो है कह सबका सरपंच साहब संत बाबा मानदास जी के सालाना बरसी के संबंध में हर साल की तरह मेला बहुत भरता है। इस मेले को भरदा 35 साल के नेड़ क्योंकि सानू सारा इस पिंड बारे पता है 35 साल के नेड़ उपड़ गए कि पहला मेला नहीं सी लगता। उस तो बाद साढ़े लुधियाने तो आ गए उन्होंने मेला लाना है वह भी लेवल उसे थे क्योंकि पिंड की संगत बहुत पहुंची है। दूरों नेड़ों साढ़े बहुत संगत पहुंचिया देख के सानू अपने आप च खुशी इन्नी महसूस होंगी है कि साढ़े संतां दे नां ते जिवें अं चैनल विखा रहे हैं एक वो कनेडा अमरीका दे विच भी जाऊगा। कारण की है कि जो साढ़े नेड़े नेड़े पता लगता तो उदो सू होर भी खुशी महसूस होंगी है। साढ़े नगर न नगर का ना आता इलाके का ना आता जिवें फरीदकोट का शहर है फरीदकोट का सारे का ना आता ये सारे जिन्हें भी असं पा जाने सारे के सारे फरीदकोट निवासी जिन्हों के साडे पिंड ढूडी का ना भी आ जाता है तो समझो भी सारे परिवार हो गया कि नहीं। इस तरह साढ़े पिंड अशोक चक्कर विजेता सरदार बचित्र सिंह शहीद सिपाही हिंदुस्तान के पहला अशोक चक्कर विजेता होने के नाते सानू बहुत माण है क्योंकि पहला साढ़े पिंड का नाम उजागर ही नहीं सी होया कि किसी पता ही नहीं लगता कि इतों का कोई अशोक चक्कर हिंदुस्तान का पहला है। पर साढ़े दो सूबेदार ने पूरी मेहनत करके सूबेदार बलविंदर सिंह सूबेदार भजन सिंह होर भी साढ़े पिंड के बहुत कर्नल जनरल जिन्हें कि हिंदुस्तान दी महान हस्तियां हैड मास्टर की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिवें दो निर्मल चिम्मा जी विकी बराड चिम्मा बराड जग्गा ये भी साढ़े ढुड्डी पिंड तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है कबड्डी खिलाड़ी है क्योंकि कनेडा के सारे खेड के आए हैं। मैं इतने आने पर आया सरदार ममतार सिंह बराड उन्होंने नाल सरदार शेर सिंह मंड गुरलाल सिंह खोसा होर भी जिन्हें साढ़े अकाली लीडर पहुंचे हैं बीबी परमजीत जी गुलशन एम पी साहब वो भी पहुंचे ने। मैं इतने पहुंचने के सारिया ही नवी पुरानिया पंचायतों के पिंड के मोहतवार सज्जनों वजों कलाकार वजों इतने पहुंचने के वार वार जी आया कहना हाँ। मैं इस समय में बहुत ही सुभागा समा समझना कि कल परसों की धुंद बहुत पैंदी ही पर कुदरत ने साडा साथ देना सी ते दित्ता जिहड़ा अज साडे वास्ते सूरज भी चमक रहा इतों पता लग जाता भी चंगे काम करदे ते नाल कुदरत भी नाल आ जाती है। हुण मैं बेनती करूंगा साडे लीडर दो बैठे आ एम एल ए साहब बैठे आ ते एम पी साहब बैठे आ भी साढ़े पिंड स्कूल की बिल्डिंग है जी कुछ कंडम करार है। मानदास जी बाबा ईश्वर गिर जी की निघी बरसी नूं समर्पित बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सभ्याचारक प्रोग्राम दे विच आए हुए इस हल्के दे मुख सेवादार सरदार ममतार सिंह जी बराड़ जी पार्लीमानी सकत्र इस सभ्याचारक प्रोग्राम दे विच पहुंचियां हुई सारिया ही सरकारत हस्तियां क्लब के प्रधान जी मैंबर साहबान समुची इस नगर की पंचायत सारे जिन्हें भी इस प्रोग्राम नू चार चंद लाउण आए हैं कलाकार साहबान फतेह प्रवान करनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सोच रही हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कि असी गीत सुन आए हैं पोलीटिकल बंदियां दे असी लैक्चर नहीं सुनना है। सो मैं तुहाडा बहुता समा नहीं लैंदी क्योंकि मैं समझदी हाँ कि बहुत वड्डा उपराला कीता है सारी नगर निवासियों ने सारी पंचायत के मिलवर्तन के नाल क्लब के मैंबर साहबाना ने इस करके मैं सारिया नूं बधाई दिनी हाँ शाबाश भी दिनी हाँ क्योंकि संगीत साड़ी एक खुराक है और मेरा ख्याल है कि पंजाब तो इस तो बिना बिल्कुल ज्यों ही नहीं सकता।
जो ढोल का नगारा कई बार साउथ च जान का मौका मिलता है, बाहर जान का मौका मिलता है, तो गोरियां भी फिर इस ढोल से नचण लग जा जो पंजाब के कलाकार वधिया गीत गाए होंगे है, तो उदो फिर बड़ा आनंद आता कि साढ़े पंजाब का जोड़ा गीत संगीत है सभ्याचारक प्रोग्राम है वो देशों विदेशों के हलका बड़ा लंबा दिलता करता कि तुहाडे मेले में देख के बहुत कुछ अनाउंस किया जाए। तो स्कूल की लाइब्रेरी वास्ते 2 लाख रुपया मैं अपने फंड इस नगर लिए ऐलान कर दी है, तुम मैं लिख के भेज दौ ताकि छेती तो छेती थोड़ा चैक भेजा जाए। बहुत धन्यवाद, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बाबा मानदास जी अते बाबा ईशरगर जी दी याद नूं समर्पित अज दे सभ्याचारक प्रोग्राम जो पिंड ढुड्डी विखे करवाया जा रहा है, इत्थे विराजमान बीबी परमजीत कौर जी गुलशन मैंबर पार्लीमेंट, सरदार शेर सिंह जी मंडवाला साहब मैंबर SGPC और मेरे सत्कारयोग गुरलाभ सिंह जी झंडियाणा मैंबर SGPC संघा साहब अते इन्हां दी समुची टीम और सारियां सत्कारत शख्सीतां आसे पासे दे पिंडां तों पहुंचे हुए सरपंच पंच साबका सरपंच साबका पंच अरे होर मोहतवर शख्सीता और नगर के सारे बुजुर्ग सारे वीर सारिया मातावां भैणां अते प्यारे बच्चियो प्रेस वाले वीर ते साडे कलाकार साथी जिहड़े इत्थे पहुंचे हन सारे नूं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परसों भी इत्थे एक बहुत शानदार वड्डा टूरनामेंट करवाया गया सीगा और बाबा जी की याद दे विच ते अज ये सभ्याचारक मेला करवाया गया, क्योंकि साड़ी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वो कई गल्लां तो हजे अनजाण अपने सभ्याचार दे। जदों इहो जिहे सभ्यक मेले लगते हैं तो सानू अपने पुरातन रीति रिवाज जिहड़े उन्हां बारे जानकारी मिलती है। ये बहुत वधिया ते चंगा उपराला संघा साहब और इन्हें टीम ने सारी ने किया है। मैं इस दी जिथे बाबा जी नूं श्रद्धा दे फुल भेट करदा है उत्थे इस प्रोग्राम दी इन्हां नूं लख लख मुबारकबाद भी दिंदा हाँ। और इस दे नाल नाल बीबी जी ने भी बड़ा सत्कार इस पिंड नूं पहला दिता है, अपने जो कोटा है उहदे विचों फड दे के असीं तां हुणे जे पिछे जे पानी वाली टैंकी दे के हटे हैं 2.25 लाख रुपये की। अज मैं बीबी जी नूं बीबी जी कहिंदे मैनूं कि मैं तां हुणे ही हजे दे के हटी हाँ पानी वाली टैंकी, तो अज फिर की करिए। मैं आख्या जी भी पिंड भी चंगा है तो तुसीं थोड़ा जिहा गप्पा खुला दे के जाया जे, तो इस करके असीं बैठा बैठा ने मन तां इह बणाया सीगा कि 1.5 लाख बीबी जी दे देणगे ते 1.5 लाख रुपया मैं दे दूंगा, पर इन्हां ने हुण 2 लाख रुपया बोलता, इस करके 2 लाख रुपया ही मैं आपदे अख्तियारी फंड दे विचों स्कूल वास्ते इस पिंड नूं दिंदा। ते अहें नाल नाल बहुत धन्यवादी इन्हों का जो इन्होंने थोड़े सारे संगत के जो दर्शन कराए हैं, संघा साहब का इन्हों की सारी टीम का जो मैं ना लवा कोई ना रह सकता है, खिमा का जाचक है। इन्ने शब्दों नाल बहुत बहुत थोनू सारे अज की मुबारकबाद। सच्चे पातशाह परमात्मा जोड़ा नवा साल आना वो थोड़ा होर तरक्या देवे, थोड़े पिंड होर तरक्या देवे, इस गल का विश्वास दोना है कि पिंड की तरक्की वास्ते पहला भी बहुत कुछ किया है। सरपंच साहब दस रहे थे पहला कि कुछ कमियां रह गई, असी कोशिश करा कि उन्होंने कमियां असी दूर करके आने वाले समय में इस काम को होर पारदर्शी ढंग से कराइए, तो इस पिंड को जी है तरक्की वाल लैके जाइए। तो एक मैं होर परसों भी गल दसी सी और अज भी दसनी चाहना है कि साढ़े उत्ते बड़ी वड्डी कृपा सरदार प्रकाश सिंह बादल सरदार सुखबीर सिंह बादल ते साढ़े बीबी MP मैडम बीबी गुलशन जी ने की है कि बेनती की उन्होंने सड़क मिली सन सानू वड्डियां करन वास्ते, उहदे विचों असी कलेर तो ढुड्डी ढुड्डी तो कोट सुखिया कोट सुखिए तो बगियाणा
ਬੱਗਿਆਣਾ ਤੋਂ ਔਲਖ ਤੇ ਔਲਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਗਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਮਾਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ। ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਇਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪ ਆਖਦੇ ਨੇ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਵੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਡੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਭਵਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੀਤਕਾਰ ਨਾਗੀ ਢੁੱਡੀ, ਗੀਤਕਾਰ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਉਹਗੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਾਰੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਗਾਇਕ, ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ ਗਾਇਕ, ਬਿੱਲਾ ਮਾਣੇ ਵਾਲੀਆ ਗਾਇਕ, ਵਿੱਕੀ ਢੁੱਡੀ ਕੌਡੀ ਖਬਰਾਰੀ, ਚਿੰਮਾ ਢੁੱਡੀ ਕੌਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੱਗਾ ਢੁੱਡੀ ਕੌਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਬਿੱਲਾ ਮਾਣੇ ਵਾਲੀਆ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਹ ਬਿੱਲਾ ਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਨੱਚਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਬਿੱਲਾ ਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਲੈ। ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ। ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਵਿੱਕੀ ਟੁੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੱਗਾ ਟੁੱਡੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਪਹੁੰਚੋ ਦਵਾ ਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਟੁੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਨਮਾਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੱਗਾ ਟੁੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ,
कोई ना कोई दे दो। माटू डी कि चलो उन्होंने परिवार को दे दो। हाँ हरिंदर संधु जी कितने ने पहुंचो दोबारा हरिंदर संधु जी स्टेज ते आ जाओ जगह टू डी लो जी आगे लेके लाल सिंह कलसी जी वधिया लिखारी होने ते मान सम्मान दिते जांदे ने क्योंकि ये भी टुड्डी बैंड दे जंपल ने। गुरदीप सिंह टुड्डी प्रिंसीपल साडे हरिंदर आ जाओ जी हरिंदर संधु साहब आ जाओ थोनू सम्मान भी करा के फिर मगरों पर मेहरबानी शुक्रिया। अज के साडे मुख मेहमान सरदार मनतार सिंह जी बराड़ साहब श्रीमती बीबी परमजीत जी गुलशन जी उन्होंने सम्मान चिन्ह दे रहे हैं। संगा साहब उन्होंने सरपंच साहब सरदार शेर सिंह जी मन साहब मार दो ताड़ी एक बार जोरदार करा दी मेहरबानी शुक्रिया जिन्होंने इस पिंड आके सा मान रखे है। हेलो सरदार गुलाब सिंह जी झंडियाणा वो भी अपना सम्मान चिन्ह ले जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एस जी डी सी के मैंबर सो उन्होंने भी सम्मान चिन्ह दे रहे हैं। थैंक यू शुक्रिया। फिलहाल दी नाल ओ पंजाब दी लोक गायक जोड़ी भी साढ़े तक पहुंच चुकी है जिथे भी बा तेजवीर राजू जी वो भी साढ़े तक पहुंच चुके ने सो भी अपना सम्मान चिन्ह लै जाना। बाबा जी करतार रमला जी बीबी बा तेजवीर राजू जी बाबा बोर आ जाओ उपर स्टेज ते आ जाओ जी क्योंकि रविंदर कौर रिटायर डीओजी समा गजास करता प्लीज इसी कल के प्रधान सो भी मंच ते आ जाए अपना सम्मान चिन्ह लै जाए। हेलो जी हम थोड़े मनोरंजन लिए पंजाब की आवाज मालवे का मान पंजाबी मां बोली का शिंगार पंजाबियों की शान जिन्होंने पंजाब का नाम पंजाब में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया जाके भी अपने पंजाब का नाम रोशन किया है जिन्होंने अपने पंजाबी विरसे को अपने पंजाबी सभ्याचार को अपनी मां बोली पंजाबी की निक्की बुक के सामने रखे है। किसी शायर ने लिखा है कहिंदा जिहदे करके दुनिया जानती है सानू ते लखां च खरियां नू पछाणदी है सानू जान सरदारियां नाल रुलियो पंजाबीओ ते पग बन्नणी ना जायो भुलियो पंजाबी सोनी सरकी पग वाला तुहाडे रूबरू गंजा रहे भाई हरिंदर संधु जी
सब तो पहला सब संगत नूं सत श्री अकाल बुलावा, फिर बजुर्ग ने जिन्हें बैठे सब दे पैरी हाथ मिलावा, धीआं भैणां सांझियां सब दियां ये गल ना कदे भुलावा, जो दिता मेरे सतगुर दिता उस दर ते शुक्र मनावा। बहुत ही सत्कारयोग साडे मामा जी राम सिंह जी बहुत सारा माण करदे ने, मेरे बहुत प्यारे मित्र लखवीर शकूर तो उन्होंने नानका परिवार, बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही सन्मानयोग बीबा परमजीत कौर जी गुलशन मैंबर पार्लीमेंट फरीदकोट, और उन्होंने नाल बहुत ही सत्कारयोग सरदार मनतार सिंह जी बराड़ साहब MLA साहब कोटकपूरा, और मेरे बड़े वीर जी भाई गुरलाभ जी झंडियाणा बहुत ही सीनियर अकाली लीडर, और मंट साहब सारे ही सत्कारयोग, क्योंकि सारे जिन्हें जानते हैं समय की बड़ी शॉर्ट है थोड़ी जी, क्योंकि बराड़ साहब की कोई मजबूरी है और बीबा जी ने भी जाना है, और बड़ी मैंने खुशी हुई कि उन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की। मैं होर ढंग शुरू करना सी पर मैं हूँ उतों ही करता शुरू, तुम्हें उम्मीद है बड़े प्यार सुनोगे। ये मेरा गीत नवी कैसेट मर्जी मित्रा की कैसेट में आया है, ये कुछ समाजिक बुराइया ने वे उत्ते चोटा की गई ने, जिमें बीबिया भैन घर बोलियां पादिया होंगे, असं उन्होंने बोलियां अपने ढंग पालिश करके जिमें भांडे कली करा दिए तो रंग ढंग बदल जाता, सोहना लगन लग जाता है। मैं इन्हों अपने ढंग कुछ नोकों झोंकों पा के कुछ समाजिक जोटा की ने, कुछ गल् सरकार भी कीतिया ने, कुछ दरबार भी कीतिया ने, कुछ लोगों अमी तो बड़े प्यार सुनोगे। साढ़े समरा साहब TVS वाले मेरे मित्र बहुत प्यार वीर भी बैठे मेहरबानी, और भाई सत्यन जी सरपंच साहब और साढ़े संघा साहब MC साहब उन्होंने वालों बहुत सारा मान, नरेश कुमार जी वालों पहले ही मान आ गया। लो जी एक एक लाइन सुनने वाली है जी, अमी तो बड़े प्यार सुनोगे, क्योंकि मैं शुरू होर ढंग कर रहा पर तुम गाँव ही एक सुनना, इस करके मैं पहला वही सुनाऊंगा। थैंक यू। समझाउंदी बोली राही सुनना जरा गल नाल, हर वेले ही खंघदा रहिंदा करदा ए खै खै, हर वेले ही खंघदा रहिंदा करदा ए खै खै, मैनू लगदा छेती अमलिया हो जू कुकी, हर वेले ही खंघदा रहिंदा करदा ए खै खै, मैनू लगदा छेती अमलिया हो जू कुकी कहें, वक्तों पहला पक्के आ गए, वक्तों पहला पक्के आ गए, बुढ़ा दिसदा तैं विवस माता खसमा, वसमाला खसमा, अजकल तो मेहंदी आ गई उदो वसमा लगता हों, संगत साहब बस रमान करते मेरे बहुत प्यारे वीर जी, वे चज ना बजा खसमा, वे वसमाला खसमा, आ मोरनी वर्गी मैं वे वसमाला खसमा, मोरनी वर्गी मैं वे वसमाला खसमा, बड़ी खतरनाक है। वैसे मैं किसी डेरे को माड़ा नहीं कहता, क्योंकि साधा संतों को निंदना संत का निंदक जिवें गुरबाणी में लिखी है, पर सारे साध चंगे नहीं होंगे, जिवें सारे गाने वाले भी चंगे नहीं होंगे, सुनने वाले भी चंगे नहीं होंगे, कले गाने वाले लच्चर नहीं गाते, सुनने वाले भी लच्चर होंगे जिहड़े माड़ा सुनते। एक अंग्रेजन पंजाब देखण आई, जदों पंजाब चेंटर हुई उन्हें देखा भी भूता कढ़ने वाले बाबे बहुत है, कहिंदी हम तो डेरे में जाएंगे, उन्होंने समझाया भाई बीबा डेरिया च कोई काम नहीं होंदा बुढ़िया का, कहिंदी जी हम तो जाएंगे देखेंगे यहाँ क्या होता है, वो डेरे दे विच चली जाती उहदी की हालत होंदी है सुनना जरा गल। हाजी नार बदैतन वेखण आई देश मेरे दे रंग, एक अंग्रेजन वेखण आई देश मेरे दे रंग, थां थां खुले डेरे वेख के होता रहगी दंग, हमने उसको बोल दिया था इन
ਵਰਗੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈ ਵਿੱਚ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਧ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਧ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਜਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਡੇਂਜਰ ਡੇਂਜਰ ਕਰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਖਤਰਾ ਖਤਰਾ ਕਰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਐਡਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਨਹਿਰ ਚ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੀਟਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਬੇਬੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ ਦੇ ਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਜਗੂੜ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਗਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਿਆ ਮੀਟਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਮੀਟਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਵੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਖੜ ਜਾਵੇ ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਠੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਠੱਲ ਦਿੰਦੇ ਮੀਟਰ ਕੀ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬੀਬੀ 1500 ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬੀਬੀ 1500 ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਜੁਗ ਜਗਾੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੁਗ ਜਗਾੜਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜਗਾੜਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜਗਾੜਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਰਾਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਫਰੈਂਚ ਕੱਟ ਬਣਾਇਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਫਟੂਕੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੌਹਰ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਬੰਨਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਬੰਨਦੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਕੱਟਦੇ ਗੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਟੂਏ ਭਰੇ ਨੇ ਧੰਨ ਦੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਕੱਟਦੇ ਗੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਟੂਏ ਭਰੇ ਨੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਬਗਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਵੀ
प्रमोदीप मान जी ने सारा मेला रचा जी, बहुत सम्मान। मैं एक गल मैं कहूंगा ब्राड़ साहब, जे सारा पिंड साझा मेला करा रहे, मैं अगली बार 5 कलाकार फिर ही लेके आऊंगा। एक बार ताड़ी मार, एक कोई मेला करा दो बड़ा सारा करके, मैं कल ही लेके आऊं कलाकार, वादा करता है। क्योंकि असं चाहे प्यार बनया रहे पिंडा के, वधिया गल है। साडे समर साहब बहुत सम्मान करते, मेरे बहुत प्यारे मित्र ने, बहुत प्यारे भी टीवीएस फ्रीकुट। अगली गल है बीबिया भैन की, जी सियानी घर वाली होंगी, कहते कदे भी आपके माही को निंदती नहीं, जिन्ना मर्जी माड़ा हो। सहेलियां को एक घरवाली अपने घरवाली की तारीफ करती, कंजूस की तारीफ करती, देखो वह तरीका देखा दे, कंजूसी पिंड मन का धन जोड़ता रहा, ओदी कंजूसी पिंड मन का धन जोड़ता रहा, नी छित्तर मार के कीड़ी तो भी दाणा यो खो लैंदा। जूसी नू पिंड मन का धन जोड़ता रहिंदा, नी छित्तर मार के कीड़ी तो भी दाणा यो खो लैंदा। पेके गई नू फोन नी करदा, पेके गई नू फोन नी करदा, मिस कॉल कर दिंदा नी उंज मेरा शिंदर सिंह, नी उंज मेरा शिंदर सिंह, आ दिल दा अड़ी ओ छिंदा नी उंज मेरा शिंदर सिंह, दिल दा अड़ी ओ छिंदा नी उंज मेरा शिंदर सिंह। क्योंकि मेरा आपका इलाका है, मेरा बहुत प्यारा वीर गुरप्रीत रंधावा, 1986 जो विआह से मैं उदो भी खाड़ा लाया से, मैं मुंडे के विआह से भी खाड़ा लाता जी, हूँ पोतरा भी हो गया, देखो जी रब होर 10 साल जिंदगी देने, पोतरे के विआह से भी ला देंगे जी। अगली गल है जी, विधवा पेंशन लए सुहागण गौर करी सरकारे, विधवा पेंशन लए सुहागण गौर करी सरकारे, लैण बढ़ापा पेंशन चोबर बुढ़े रोण बेचारे, लैण बढ़ापा पेंशन चोबर बुढ़े रोण बेचारे, फिर न बनाई पीड़ी कापी पैसे वाले सारे, फिर न बनाई पीड़ी कापी पैसे वाले सारे, आवा उठ गया भी आवा उत गया, सूद करी सरकारे, आवा उत गया, सूद करी सरकारे, आवा उत गया। भाई जी गुरप्रीत रंधावा जी 500 रुपये मान करते हैं। अगली गल है जी, देखो वड्डा रोड लगते रहिंदा जी, साडे पिंडा दे विच डाक्टर हुंदे भाई जी, जदों बंदा ढिल्ला हुंदा पहला इलाज उही करदे आ, डाक्टरी किते च पैसा बहुत बनता है, कई वारी डाक्टर की घरवाली जिहड़ी उह ज्यादा लालच कर जांदी, उहनूं पता वी पैसे बहुत बनदे आ, किते उहनूं मौका मिल जाए किते मरीजां नूं ट्रीटमेंट दे दो, फिर की हाल करदी मरीजां दा देखणा जरा गौर नाल। ਬਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਰਾਮ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਪ ਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਪ ਰਾਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬੂਬੂ ਕਰਦਾ ਆਵੇ, पतली डॉक्टरनी आ मोटा टीका लावे, पतली डॉक्टरनी मोटा टीका लावे, पतली डॉक्टरनी रोज रोज का झंझट बन गया बीबी वधना कटना, रोज रोज का झंझट बन गया बीबी वधना कटना, दाज मगनी घट पाया कर सुन मां दे मखणा। ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਨ ਜੀ, ਰੋਜ ਰੋਜ ਦਾ ਝੰਝਟ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਵਧਣਾ ਕੱਟਣਾ, ਬਈ ਦਾਜ ਮਖਣੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੁਣਿਓ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਖਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿਣੋ ਹਟਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿਣੋ ਹਟਣਾ, ਟੈਲ ਸਿਆ ਬਈ ਟੈਲ ਸਿਆ ਟੈਲਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਟੈਲ ਸਿਆ ਟੈਲਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਟੈਲ ਸਿਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ, ਆਸਾ ਪੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਆਸਾ
ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਰਾਨੀ ਛੇੜੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਰਾਨੀ ਛੇੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਗਾ ਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਚੌਂਕਦੇ बड़ा मान दिता और मैं हजे बोलिया होर जी पर मैं पता थोड़ी मजबूरी है बराड़ साहब ने मैंने कोई मजबूरी दसी है वो रोक नहीं सकते उन्होंने जाना चाहिए और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग परमजीत कौर जी गुलशन बहुत ही सत्कारयोग साढ़े लीडर ने जी और साढ़े गुलाब जी भाई जी संघा हो गया अगला गीत देखने वाला भी है सुनने वाला भी मैं क्योंकि वैसे मैं वो गीत मैं नवा गीत लै गया क्योंकि बचपन साढ़े सब दे आउंदा जवानी आवे ना आवे बुढ़ापा आवे ना आवे बचपन सब दे आउंदा तो कैसा गीत है तुम्हें देखना पैना थोड़ा स्टेज वाल ध्यान रखो जी मैं पेश करदा आपां खड़े हैं बुढ़ापा आवे ना आवे मालिक दी रजा है बंदा बुढ़ा होवे चंगा खाओगे तो चंगा समा जीओगे जिन्ना घट खाओ बंदा ना लंबा समा जीओदा जी मन साहब सुन वाली गल है जी पेश कर लगा बचपन एक कहानी एक ड्रामा है एक एक चीज मैं बड़ी इकट्ठी करके तुहाडे ते चीजा लिया मैं मेरा परसों लाइव सी प्रोग्राम जी पंजाबी दे उत्ते उत्ते भी मैं गीत गाया सी बहुत ज्यादा मैनूं फोन आए ऑल वर्ल्ड दे विचों बहुत पसंद कीता लोकां ने क्योंकि साडा सभ्याचार भुलदे जा रहे हैं हुण असीं मैं गोलियां चाहीदियां सी सारा पता बोरी का होता से अजकल बच्चे महंगे महंगे बैग लेके आते यूनिफॉर्म भी यह जी होंगी सी एक टुटी जी नीकर होंगी सी उत्ते झग्गा पा लईदा सी ते नीकर भी नाले वाली होंगी सी अजे कोई बेल्ट लास्ट कहानी होंगे सी घरों बेबे ही बन के तोरदी सी जे तां कस के बन दिंदी सी फिर तो सारी दिहाड़ी स्कूल च चढ़ाई रहिंदी सी दोनों हथ वेले होंगे सी ते जे कितें दुख देना ढिल्ला बज जांदा सी बराबर नूं तां आउंदा नहीं सी इक हथ पर इत्थे रखीदा सी इज्जत भी बचाउणी होंदी सी एक उदो रुमाल रमूल तो होंगे नहीं अजकल का जवाक रुमाल रखते हैं उदो रुमाल नहीं होंगे उदो फिर देसी काम होता इतने कई बार फेयर एंड लवली लमकन लग जाती हरे रंग की थले तक आ जाती है ठंड फुट लगी रही थी फिर देसी तरीका होंगे आपके को कूड़ी तो लैके गुट ती जिमें नज़ारा आ गया होंगे वो वेला चेते कराउन लगा असीं चंगे वेले च पढ़े उदो कोई वाला वास्ते का भार नहीं होंदा सीगा उदो एक फट्टी होंदी सी आ फट्टी होंदी सी कूड़ा आड़ा जी लिखता होंदा सी एक सलेट होंगी सी आ सलेट होंगी सी हुण तां बच्चे घट देखते हैं आ कैदा होंदा सी साडे कोले जी ऊड़े आड़े वाला यह तो ऊड़ा ऊठ होंदा सी आ देखो इहदे पिछले पासे पहाड़े होंदे सी एक दूड़ी दूड़ी ते दो दूड़ी चार यही साडा किताब साहब कोई कापी नहीं होंदी सी कुछ नहीं होंदा सी आ गाची होंदी सी अद्धी राह च खा जांदी सी स्वाद बहुत होंदी सी आदवात होंगी साड़ी ए जसाई होंगी सी ए लिखी सी घरों कलम भी कड़के ले जाइए सी काने की आ कलम होंगी सी इन्ना क समान तक सलेटी होंगी सलेटी भी खाने बहुत स्वाद होंगी सी अगली गल मैं गीत रही दसदा की होंगे हाँ जी उस तो पहले शेर दिया लेना ने हाँ जी संगत साहब बैठो जी प्लीज पहले शेर है जी बचपन की गल है जे रब आखे मंग की मंगना खांदा मूल ना संगा ते कुट खांदा मूल ना संगा हाँ भाई तेजा जी आउंदी समझ ठीक है जी
ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖੇ ਸੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਜੀ ਨਿਕਲਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਥਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਢਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰਾਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਓਨੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਵਾਰਾਂ।
चाचियां ते ना ताईयां मालक ने सानू इस दुनिया से भेजा है एक इंसान बना के भेजता इतने आके असि जाता पाता के चक्कर च पै गए हर एक का मूह दूजे पासे नूं जाता पाता के चक्कर च गल किसी ने लगती हुई ढुकती हुई किसी ने गुस्सा नहीं करना क्योंकि खुशियां भरे माहौल में है खुशी प्रकट करनी लगी शाह बहुत अच्छे गीतकार जिन्होंने सम्मानित किया गया है उन्होंने कलम चो लिखी गल कह लगे हैं कहिंदे मालक दुनिया का दाता वंडन लगा बामन टलियां लैके बाणिए हट लै गई मालक दुनिया का दाता वंडन लगा बामन टलियां लैके बाणिए हट लै गए नाइया मंगले मरगा ते वैन पाउणे कमियार मिट्टी दे बनाउणे मट लै गई साधु संतां ने अमन ते चैन मंगिया ठग मारना किसे दा हक लै गए गल्लां बातां ते गला मरासियां दा मुसलमान शहरियां खट लै गए ओ लक्की शाह जो बचियां दातरियां कईयां रंबे कुछ मजबी लै गए कुछ जट लै गए इसे तुहाडा वतन ते कबूल करांगे मैं ज्यादा समां नहीं लैणा इको गाणा तुहाडे लई काका जलदार जी तो प्लीज कम दस भाई काका जलदार जी वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह भाई मैं ज्यादा गल्ला ना करता हो क्योंकि टाइम अगे भाई जी कहते थोड़ा चलो ठीक है हाँ जी ज्यादा समय नहीं लेना समा अपने कोल घट है तू जांच करदे पंजाब दे लोक एक जोड़ी बाबा बोल करतार रमा जी ते मैडम तेजवीर राजू जी वाह पुराने खुंड है तैनू बाबा बोर्ड कहते काम सुर च हो रहा है एको गल कहूंगा बजुर्ग बैठे ने मेरे हाणियों इस गल का पता होना समा हुंदा सी जदों बलदा लड़वाई हुंदी सी लोग सौखे सीगे किसी के दिमाग से कोई टेंशन नहीं हुंदी सी इन्ना पता दी तरके साजरे तारा की छावे बलद लैके जाना है कि ठंडे ठंडे हलवा के मुड़े आ कुर्सियां ते सशोभित रिस्पेक्टेड ऑफिसर साहबान जां पंच सरपंच जां अज दे महान लीडर जां साडे जनता जिहड़ी अज दी पढ़ी लिखी नौजवान अते एमसी संघासा छोटे भरा साडे ये फंक्शन उन्हां दे ग्रुप वल्लों हो रहा है लेकिन फिर भी मैं ये गल जरूर कहूंगा चेक किस काका किथे हो गिरे रिपीट बंद कर दे देसी जा माय कर दे देसी जा देख सारियां चंगी हुई गाने दे नाल नाल तुहानूं बहुत खुश करांगे ऐ नहीं गल कोई गाने भी जिन्हें बच्चे बैठे ने मेरिया भैन बैठिया धियां बैठिया तो ये सारे कट्ठे बह के सुनोगे कोई गल नहीं साडे ते तवा जिहड़ा लाया वह बेफजूल लगे हुआ है वह बेफजूल तवा एक गल होर दस दें मेरे गाणियां दे विच सच्चाइयां ज्यादा जिहड़ियां साडे समाज त्रुटियां घाटां कमजोरियां ने मैं खुल के बड़े धड़ल्ले नाल गाईयां ने मित्रों उदों सानूं लचर दसदे सी अज उह गीतां दा ना मैडिसन वांगू वो जिवें होम्योपैथी की दवाई जिहड़ी है ना वो बहुत लेट असर करती है वो साडी होम्योपैथी वर्गे गीत है होम्योपैथिक दे गीत ने क्योंकि मैं जिहड़े गीत गाए ने दस के गाऊंगा तुसीं सुणिया जी अज दे हालात अखबार पढ़ लो ते तुसीं रोज उही खबरां पढ़दे हो उही गल्लां ने जिहड़ियां मैं कहिंदा ते साडे ते तवा पुट्ठा लाया सी सब तों पहलां तां तवा इह है कई साडे शरीक भरा सियाणे कहिंदे ने ना भी सिरे बन्न के टोला तां गाउणा ही छड्ड के भाई
कई कहे वह तो इतने ही नहीं रहा भी दस रहा कि कई कहे तो मर मुर गया एवं नहीं मरते यह चीजा छड़ के मरिया जाता कि गल तो यह है भी जिन्ना चर बैठोगे ये मेरा वादा दो अखर ने वादा तो दावा कन्ने दवा लगते हैं कई सज्जन तो कहते हैं भी शायद तकाश टाटा पढ़िया पढ़िया नहीं होना पर मैं जिन्ना को भी पढ़िया सी उन्होंने कोई बहुत अच्छे ढंग पढ़िया जमात का मनीटर से कुट रोज खाता सी मेरा कहने तो मकसद इन्ना बी मैं संघा साहब के पिता जी नाल डैडी साहब नाल भी पढ़ता रहा उमू तो असं गांधी वेले दे पर लगाने उम्र फिक्र ना करो तुसी एक गल है घड़िया का टाइम देख लो तो सारे तो वड्डी गल है जिहड़े गाने गाऊंगा वो साडे पब्लिक नूं और बच्चों नूं अज्ज दे नौजवानों नूं सेध देणगे ता कि तुसी कोई त्रुटि है गलती ना करो ते लो आओ आप बड़ा समा ना करिए ते लो मैं दो लाइन आपदे मालक नूं आपदे साइन भी याद करके कहन लग्या जरा गौर फरमाओ सानू एक गल होर भी दस दें भी गीत ने जी अज तो 36 साल के भी गाए ने जड़े वो अजक नौजवानों के हाण के गीत है जोड़ा गीत गाऊंगा उ तुम्हें दस दूंगा भी ये फलाने समझ गाया से तो वेख लो अज भी थोड़े वो नहीं मेचद जिन्ना तुम अज का माहौल चल रहा यह ना समझ आई भाई पुराना बंदा तो खोरे पाले पुराने गीत साहब वो मैं तीन गीत गाए है तो तिने ही लोग न्याण गाँवते रहे इंस्पैक्टर साहब सरदार कमलजीत सिंह जी ढिल्लों साहब साढ़े मेहरबान मित्र भी ने मैं तो सगो घर नहीं जाया गया उन्होंने तो सदा दिता हुआ सी लेकिन उन्होंने नाल लहरा सर्विस करता रहा जिहड़ा मेरा परसनल शहर सी बस मेरे तो ही होना चाहिए ऐसा काम हेलो वाह ठीक है मैं कहता सी जो जनाना किड़ा मरदाना किड़ा कट कर दे तेरी नजर सवली जे हो जावे ते उगण ला दे में पुजे दानियां दाता तेरी जे निगाह करो हो जाए ते मंगण ला दे मेरा जे राणिया नू दरबार दे लाज रखी लमड़ा मन दा तेरिया पाणिया लो गल ये है मेरी भावें गल ना करो ते पर एक गुरु घर के नाँ का सत्कार वजो ताड़ी जरूर ला दो उन्हों अपनी अपनी बहू की सहु जरा ताड़ी ना लवे वाह 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 इधरले सारे कुआरे ही है गल यह है जी आपकी बहू है तो सौ खाया जे कि डांगा ना खा लिया जे किसी तो खा इना ख्याल रखे जे लो आवाज कट कर दी बहुत अच्छा जी है सरदार गुरु ग्रंथ सिंह जी संघा मेंबर साहब और अपना खजान जी कितने कदे मुक्तसर वाले अड्डे फिरते रहे कदे फाजिलका पड़ के अपना टाइम वेस्ट करता
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਤਰੀ ਕੱਸੀ ਅਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵੜਾਂਗੇ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੁੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਓ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਫੱਟੇ ਚੱਕਤੇ ਉਹ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੜਨ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪੜਨ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਮ ਮੱਲਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਮ। ਆਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੜਨ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲੋ ਮੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁੜੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਘੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁੜੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਓਏ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਬਹੁ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਊ ਕਿ ਚੰਨੋ ਰੱਖਣੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਊ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਊ ਕਿ ਚੰਨੋ ਰੱਖਣੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜਨੋ ਰੱਖਣੀ सियाने बजुर्गों चो कठिया कीतिया हुई है इन्ह नौजवानों को कहना गोलियां खा के एवं झोने वाले खालिया च ना टिकी रहा करो कबड्डी खेडो हॉकी खेडो फुटबॉल खेडो जैवलिन थ्रो सुटो हैमर थ्रो सुटो डिस्कस थ्रो सुटो पतंग थ्रो ताकत वाले काम करो एको ही काम से आप नशे पत्तियां च रुझ के आपकी जिंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए जे कबड्डी खेडोंगे अज अपनी माँ गेम ये बाहरले मुल्क ताई माँ प्यो का एरिए पिंड का ना उच्चा होंगे लो आओ एक गल कर लगे बहुत खूबसूरत मेरा स्टार नाइट चे लश्कारे च बहुत वजह यह लोकदत है लो तवजो दौ श्रोमणी कमेटी के एक लैक्चरार हुए है सरदार बली सिंह वह शेर कह लगे जरा तवजो न सुनो इस गीत के नौ मास्टर गए सत्कार वजो मैं आपके बेटे भैन जी का सरपंच साहब देवी वाले तो बाजकर जी अपने बड़े भाई का मान करके ने बहुत सत्कार नाल मैं लो आ शेर कहने लगे जरा गौर सुन पुत्र या सोई जरा पिता दा अदब करे उठ के सवेरे पैरी हथ लावे माई ने पुत्र जमया तो मापे खुशियां तमान करने वंडदे ने लोहड़ी जामे विच नहीं समाई ने सोलह साल तक पहला डिकना जरूर चाहिए ओदू पहला बंडने पतासे भी नहीं चाहिए ओ बली सिंह खबरे नलायक ही निकला वे मैं तो कहना मगरों ही पैसे देवे दाई दे लो ओ गल्लां जिहड़ियां जो करे आशकी ते बबे ना हटते दारू पी के सौदा जो व्यापारी करदे ते कदे नी कटदे पुलसिया कदे नी लिहाज करदा पैजे कुल्ली तड़
ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿੱਧਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਤ ਨਾਲ ਕਵੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੰਤ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਨੇ ਪੱਟਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਘੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਕਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਵਾਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਸ ਬੋਤਲਾਂ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਆਂ
करो थैंक्स भाई, मैनू पता है सारे पीण वाले ही है। ज्यादा रह जाओ फिर मेरी पक थोड़े नाल ही है भरा। ला जी हुण घर की सुहानी कुड़ी रुकती है भी दारू ना पी, तो दारू जिहड़ा पी के आया ओदी आपदी थोड़ा जिहा सोच है, जरा गौर करें जी। दारू पीनी पानी दा जग लिया रे तू, नोट पंजा दा किथे कहिला कट के उरे फड़ा दे तू। नी मैं आख्या सी दारू पीनी पानी दा जग लिया रे तू, नोट पंजा दा किथे पहला कट के उरे फड़ा दे तू। होवे ना तेनू 500 दे जांदे। मेरे मित्र बेली बोलन एवं जा दे तू, चार लफंगे कट्ठे करके घर नू लंबू ला दे तू। नाल मेरे मित्र बेली बोलन एवं जा दे तू, चार लफंगे कट्ठे करके घर नू लंबू ला दे तू। बस ता सत्कार है ना नौजवानों का, देखो ये नवी उम्र दे नहीं, कई कहणगे इह पुराणियां बंदियां नूं सुणदे नहीं ते सानूं सब तों वध नवी उम्र दे पैसे दे के जांदे आ। आ वेख लो जिवें छड़े नूं छित्तर पैंदे ऐ पैंदे पैसे। दारू पीनी पानी दा जग लिया रे तू, नोट पंजा दा किथे पहला कट के उरे फड़ा दे तू। नाल मेरे मित्र बेली बोलन एवें जा दे तू, चार लफंगे कट्ठे करके घर नू लंबू ला दे तू। नी जदों देख के गुत नू केड़ा, जदों देख के गुत नू केड़ा, छड्या कन्न दे कोल लफेड़ा, छड्या कन्न दे कोल लफेड़ा, जांदा जिवें सड़क ते रेड़ा, जांदा जिवें सड़क ते रेड़ा, इवें भज्जी जावेंगी। ਨੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਡੋਡੇ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਯਾਰ। ਕਰਿਆੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ
हाँ जी हाँ जी ठीक है कथा नहीं सुनानी तो पैसे दे जा पैसे ना कर अड़िया लग जाए गल है मर्जी कई बिना पिछे पिछे मत आली गल मेरे वालों फाटक लाई खड़ी है तो काला जहा मौज ले जाता है दस अन्ना करे अड़िया लग जाए आके फुक मेरी हिमा मालनी तेरे हाथ घूमत कर दी सब कम कार संभालनी घूमत कर दे सब कम कार संभाल लेनी है किजे लत्तां खान जो भूत किजे लत्तां खान जो भूत आंदे कदों गलां तू कई कड़ी तू कई कड़ियां जूत ते होने पवाड़ा पैगा ओए एक मिनट दे अंदर चीख चिहाड़ा पैजूगा एक मिनट दे अंदर बैजा बैजा ना कर गुस्सा चढ़ दे अड़ियां अज तो मुंह ते धरदा ना बच्चियां दे कर गुठा दिंदा बैली किधरे मरदा ना जे तू बड़ा गुस्सा कर दी अज तो मुंह ते धरदा ना अज मौका सामने मेरा जदों रेहा ने पल्ले ढेला लेके दूर फिर के तू मेला कर दे धक्के खावेगा असी वाले बड़ वांगू पटिया जावेगा रे असी वाले बड़ वांगू पटिया जावेगा पानी नाल गिलास पलेटा चक्की आवे चक्की आएगी लो जी एक गल साहब जिन्होंने पैसे हाँ मैं जरूर सुना ओ जटा मिले लो जी आ जरा लोक तत्था जे गिटे अक लड़ी हो तरह बल नुटक बार भजदी जे गिटे अक लड़ी हो ख्याल पैंदा रखना जे कोठे उत्ते चढ़ी होवे तां कोठे उत्ते चढ़ी होवे तां सियाने बंदियां दी गल है सरा गौर करे जी ओ बिना गल तो हरेक नाल लड़ना हुंदी है निशानी नंग दी बिना गल तो हरेक नाल लड़ना होती है निशानी नंग दी चुनी विधवा दे सिर ते नहीं चचदी सचनों गुलाबी रंग दी घर वाला भी परौंठे कितों पालदा जे बूटा विच खड़ी होवे तां अगली गल सब अमली परिंड मकी शहद जेड़ी है नचड़ी धुप तो सब अमली परिंड मकी शहद बिछेड़ी है नचड़ी धुप तो बिल्ला बार लक तीड़ हड्डा रोड़ी दी भी कट डरेगी मनुख तो गुस्से बिच ना गऊ दे सोटी मारी गुस्से बिच ना गऊ दे सोटी मारी जे फसल च बड़ी होवे तां ਕੀ ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਲੂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸੱਜਣੋ ਤਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਦੇ ਚੋਰ ਆਸ਼ਕ ਵਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਪਾਲਦੇ
रात चाननी हुसैन बड़ी लगती, रात चाननी हुसैन बड़ी लगती, मशूक फड़ी हो ख्याल पिंड रखना जे पुठे उत्ते चढ़ी हो अगली गल कर पुछदे जो आग जी की बात ना कई बारली वजीर होंगे कर पुछना जो आग जी की बात ना कई बारले वजीर होंगे सदा सदा बुढ़े वेले आउंदा कम मित्रों जो सांझे हो शरीर होंगे सदा बुढ़े वेले आउंदा कम मित्रों जो सांझे हो शरीर होंगे जान डौले आंद बिच पेंदी रखनी जान डौले आंद बिच पेंदी रखनी भी पन्नी जे अड़ी होवे ता ख्याल पिंदा रखना जे कुठे उत्ते चढ़ी होवे ता बड़ी कीमती गल बच्चा अपना जनानी किसी होर दी लगदे प्यारे सब नू भावे किलोमीटर से खड़ी होवे एवी लाड़ा सिटी जाने अपना जनानी किसी होर दी लगदे प्यारे सब नू मौत आउंदी नी किसे नू कदे दस के भी दिलों ना भुलाइए रब नू सच्चा प्यार नहीं किसी दे कोलों मिलदा जिस्म करीदे दुनिया सच्चा प्यार नहीं किसी दे कोलों मिलदा वे जिस्म करीदे दुनिया ओ सिखां वाले दा मंदिर जदों मुक गया वे टुंडूगी नतीजे दुनिया सिखां वाले दा मंदिर जदों मुक गया वे टुंडूगी नतीजे दुनिया ओ पिंडू बंदे रे सगाली नहीं ओ वसदी पिंडू बंदे रे सगाली नहीं ओ वसदी जे शहर विच पड़ी होवे तां लो जी दो लाइना कहनी है सपना दी एना नौजवाना दी फरमाइश ते लो जरा गौर करे जे ओ काल जब चमारा गेड़ा देखन नु मुखड़ा तेरा थैंक यू भाई ओ काल जब चमारा गेड़ा देखन नु मुखड़ा तेरा किथे जा बहगी नी सुपना हो गई पाली मिलनो मिलेगी नी सुपना हो गई पाली ओ मिलनो मिलेगी नी लेटर सी लिखदी तेन बापू ने वेख्या मैनू लेटर सी लिखदी तेन बापू ने वेख्या मैनू पट्टी गुत मेरी वे पढ़ लो हटा दी मापिया पाली हुण तेरी वे पढ़ लो हटा दी मापिया पाली हुण ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਨੀ ਪਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਸੁਣੀਆਂ ਨੀ ਦਿਸਦੀ ਨੀ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ੋ ਕੰਦ ਟਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਾਲੀ ਉਹ ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਾਲੀਏ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਟਾਈਮ ਰੁਕਾ
ਨੇ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦ ਵੈਰ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦ ਵੈਰ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲੀ ਉਹ ਮਿਲਣੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਫਨਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਬੜੇ ਅਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਬਦਰਵਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪੰਮਾ ਚੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀਜਾ ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀ ਬਾਂਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾਗੀ ਟੁੱਡੀ ਜੀ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਝਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ ਜਨਾਬ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਕਟਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਦੀਪ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਸੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬਾਚੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇਉਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਵੱਚੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੋਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਲਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਮ ਸੁਨਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
खराब करदा फोन आ जांदा कई वारी अजकल गभरुआं दे फोन बहुत आउंदे ने किसी दी मिस कॉल आ गई फिर कच्चे जे हुंदे ने इहदे नालों बेहतर है कि बुढ़ा बंदा नहीं नाल पाउणा टोक दिंदा है वैसे सियाणे बंदियां दी लोड़ हुंदी है बुढ़िआं नूं दूर नहीं रखी दा हुंदा ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ
महेंद्र सिंह जी संघा साहब साढ़े बहुत सारा मान करके मैं साड़ी पंजाब पुलिस के ऑफिसर साहबान इधर बैठे ने मेरे सज्जे हथ इन्हों का भी बड़ा शुक्र गुजार है जेडे इन्ना टाइम इन्होंने सुबह तो लेके कटे है सब तो सख्त ड्यूटी इन्हों की होंगी है और दुकाना सुना लगे पंजाबी गभरू जो बन थड़ के जाते हैं ऐसे तरह ही सच तज के किसी बरात में गए गभरू तो जो रिबन कट्टन लगते हैं ना उदो किसी मुटियार नाल कोई गलबात सांझी हो जाती है जो सा मुकलावा तरौजा तरौजा यह जे दिन आते हैं फिर जीजे की सूही हो जाती है जीजे के नेड़े तेड़े पानी फड़ाती फिरती पुछती है गभरू का सरनावा पर जीजा बेचारा मेरे अर्गा हुंदा जा लच्छेदार गल्लां दी समझ नहीं लगती सियाने कहंदे ने कि जट मचला खदान लैके चोर ओदियां झल बलियां चो नजारा लैंदा सिर्फ पढ़ने ची होंगे ने इन्हों के नंबर ज्यादा आते हैं पर कमाल होगी कुड़िया वाकई शहर आदि ने जोड़ा व्याह है उन्होंने तो हजे किसी सकीरी का नहीं पता इन्हें रिबन कट्टन वेले ही कुंडी सट ली उ छांग देंगे थलो छांग देंगे एक लम्मा जाते सोना जा मुंडा सी मेरे ताए दा एक लम्मा जाते सोना जा मुंडा सी मेरे ताए दा बहुत अच्छी कलम बहुत सारा मान कर दी मेरा परम मित्र लकी शाह बहुत बहुत उन्होंने गीत है जो मोदी साढ़े संघा साहब मेरा लगोटी है यार सतनाम असि कट्ठे खेडते रहे थोड़े वो हाँ हाँ है जे भी साढ़े पाए होंगे लम्मा जाते सोना जा मुंडा सी मेरे ताए दा एक लम्मा जाते सोना जा मुंडा सी मेरे ताए दा क्या
ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਐ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੀਲਾ ਲਤਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਆਹ ਹਾਲ ਸੂਹੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਹੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਬਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ